पुरानी से पुरानी कब्ज़ का खात्मा सिर्फ एक खुराक से। सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लाए हैं जो कब्ज़ का फौरी खात्मा करेगा। सिर्फ एक खुराक से कब्ज़ जैसी तकलीफ़ से निजात मिलेगी। अगर किसी को बहुत पुरानी कब्ज़ हो तो वो लोग इस नुस्खे को सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन पर नज़र डालें। इलाज के साथ साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तली हुई अशिया और बेकरी की अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल कम करते हैं और आपकी ज़िंदगी में चहलकदमी और वर्जिश शामिल नहीं है, तो इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि आप कब्ज़ जैसी तकलीफ़देह बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए ये बात ज़रूरी है कि आप अपनी ख़ुराक और तर्ज़ ज़िंदगी पर नज़र रखें और वो ग़िज़ाएँ और आदात अपनाएँ जो आपको सेहतमंद रखती हैं। तो आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। दोस्तों, इस नुस्खे में सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है और दोनों चीज़ें ही आपको पंसारी की दुकान से बआसानी मिल जाएंगी। दोस्तों, इस नुस्खे के अज्ज़ा नोट कर लें। गुलकंद 200 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। गुलकंद कब्ज़ का फौरी खात्मा करती है, आंतों और मैदे की सफाई करती है और हाजमे के मसाइल हल करती है। ये मैदे और आंतों की सोजिश और खुश्की का बेहतरीन इलाज है। सौंफ हाजमे के अमल को बेहतर बनाती है, ये भी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज करती है। इसके अलावा ये पेट दर्द, गैस और पेशाब के मसाइल का इलाज करती है। इस्तेमाल का तरीका, सौंफ को साफ़ करके ग्राइंडर में पीस लें, यानी इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को गुलकंद के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और शीशे के जार में महफूज कर लें। दोस्तों, इसको फ्रिज में नहीं रखना। रोज़ाना रात को सोने से पहले इस सफ़ूफ का 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सिर्फ एक खुराक से ही कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। अगर किसी को पुरानी कब्ज़ हो तो वो लोग इस नुस्खे को 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इफ़ाक़ा मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।